म्यूजिक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉकस्टार, नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्गराइटर रैनित सिंगर। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में, जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। सिंग अलोंग, ई एकेडमी फॉर सिंगर्स, लर्न फ्रॉम योर होम। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, मैं अभी शिलोंग में हूँ और यहाँ काफ़ी हो गई है ठंड, इसलिए मैंने लगा रखा है कैप। और आज का जो ये वीडियो है, एक सॉन्ग ट्यूटोरियल है। एक सॉन्ग आया था अभी एक मूवी से, क्योंकि ढंग की तो मूवीज़ आती नहीं है, एक ढंग की मूवी आई जिसका ये गाना है ओ माही, जिसे लिखा है इरशाद कामिल जी ने, गाया है अरिजीत सिंह जी ने और म्यूज़िक है प्रीतम दा का। तो ये जो गाना है, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। ऑल्दो मुझे बहुत सारे गाने नहीं अच्छे लगते आजकल के, कुछ गाने ही अच्छे लगते हैं, तो ये इट वाज वन ऑफ देम। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ट्यूटोरियल बनाया जाए। गाना जो है वो स्वीट सा गाना है, काफ़ी हाई गाया है गाना, जस्ट लाइक हवाएं, उस तरीके के हिसाब से गाना गाया है। और ऑफकोर्स अरिजीत सिंह जी ने बताया भी अपने इंटरव्यू में कि प्रीतम जी के लिए जब वो गाना गाते हैं तो काफ़ी हाई स्केल में वो उनसे गवाते हैं, जिसकी वजह से 3-4-5 दिन तक फिर उनका गला कुछ और गाने लायक रहता भी नहीं, ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया भी है। और इस गाने का जो ओरिजिनल स्केल है वो है सी शार्प। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सी शार्प तो मेरा प्रैक्टिस का स्केल है तो ये तो इजी होगा, नहीं, लेकिन सी शार्प क्या है, ये गाने का स्केल सी शार्प है, लेकिन इसमें काफ़ी हाई हाई नोट्स लग रहे हैं, तो तार सप्तक के कोमल धा तक ये गाना जाता है। तो जो ये गाना है, थोड़ा सा आप लोग को हाई एंड पे थोड़ा सा टफ पड़ेगा, और इसलिए सीखने के लिए और प्रैक्टिस करने के पर्पस के लिए हम इस गाने को करने वाले हैं ए शार्प पे, नॉट सी शार्प, ए शार्प पे हम करने वाले हैं इस गाने को। और समझते हैं इस गाने की बारीकियां। अंतरा इस गाने का थोड़ा सा ट्रिकी है और मुखड़ा फिर भी थोड़ा रिपीटेटिव है, थोड़ा ईजी है, अगर आप उसको गाओ बार बार तो आप समझ जाओगे उसका स्ट्रक्चर क्या है। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए, लेट्स डाइव इनटू दिस। थोड़ा वार्म अप हो गया, थोड़ा सा हमिंग हो गया, उसके बाद हम गाने का जो मुखड़ा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो गाने का पार्ट है, ये जो फर्स्ट फ्यू लाइंस है वो है, यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा। यहाँ पर इन्होंने जिक्र नहीं, जिक्र बोला है पूरे गाने में। और कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा, ठीक है। तो रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, तेरी बाहों तलक ही है ये सफ़र मेरा। तो ये स्टार्टिंग की कुछ लाइंस हैं जो कि सिमिलर उसमें चलती हैं मेलोडी में, और आप एक बार अगर चार लाइंस का कॉम्बिनेशन समझ गए तो आप नेक्स्ट चार लाइंस भी गा लेंगे, ठीक है। तो उठाते हैं गाना। फर्स्ट लाइन, यारा तेरी कहानी में। यारा तेरी कहानी में, ठीक है। पूरा गाना जो है थ्रो के साथ ही गाया गया है, ये उसमें सॉफ्ट पार्ट नीचे आके आते हैं, ऊपर ज्यादातर ये थ्रो करके ही गाया हुआ है, काफी हाई है गाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यारा तेरी कहानी में, अच्छा यहाँ पर स्ट्रेट है एकदम, यारा तेरी कहानी में, कहानी में, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा आपको और एम्फेसिस करना है, थोड़ा सा पुश करना है। यारा ला 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 ला, यारा तेरी कहानी में, थोड़ा वहां पर स्टे भी करेंगे। यारा तेरी कहानी में, और कहानी के ह में थोड़ा विब्राटो का इस्तेमाल है। यारा तेरी कहानी में, कहा सीधा नहीं है, कहानी में हो जिक्र मेरा, यहां सॉफ्ट हो जाएगा, तो ऊपर एंड देन ब्रिंग इट डाउन। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, ठीक है, हो जिक्र मेरा, इट्स समथिंग लाइक समथिंग लाइक कि आप ऊपर गए हो एंड देन नीचे आए हो। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, फिर कहीं तेरी
कहीं तेरी, ये लिंक है वापस से वहीं जा रहे, क्या है, कहीं तेरी खामोशी में, और ऊपर जा रहे, कहीं तेरी खामोशी में। तो ये आपको नोट करना है कि ऊपर इसमें काफी बार जाना पड़ रहा है। तो शुरू से कहते बात है, यार तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में, ऊपर गए, हो फिकर मेरा, तो जहां पर वो छोड़ा है, कहीं तेरी खामोशी में, अब यहीं से हो और ऊपर जा रहा, ठीक है, हो फिकर मेरा, ये ड्रॉप हो गया। सेम चीज अब चारों लाइंस जिस मेलेडी में हमने गाई, अगली जो नई चार लाइंस है वो इसी मेलेडी में गाई जाएगी। रुख तेरा जिधर का हो, अच्छा इसमें कहीं कहीं पे खटका भी है, रुख तेरा जिधर का हो, हो, हो उधर मेरा, हो उधर मेरा, ये थोड़ा प्यार से गाना, ठीक है, रुख तेरा जिधर का हो, अच्छा तेरा पे विब्राटो अगेन, रुख तेरा जिधर का हो, हो, हो उधर मेरा, तेरी बाहों, अगेन ये ज्वाइन करने वाली जगह है, तेरी बाहों तलक ही है, तेरी बाहों तलक ही है, तेरी बाहों तलक ही है, ये सफर मेरा, अब ये जॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, कंबाइंड है, तेरी बाहों तलक ही है, ये सफर मेरा, याद है कंप्लीट, उसके बाद जो इस गाने की मेन लाइन्स है, ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही, तो दोबारा करते हैं, ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही, ला 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 ला, जिनको ओ माही नहीं बोला जा रहा वो ला 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 करके पकड़ो पहले से, ओ माही ओ माही ला 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 ला, ओ माही ओ माही ला 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 ला, ओ माही ओ माही ला 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 ला, ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही, यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, तो पहला ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही, अच्छा एंड में ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही, ड्रॉप है, ठीक है, ओ माही ओ माही ला 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 ला, ओ माही, ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये बार बार आ रहा है, ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही, टिक कर रहे हैं जैसे, ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही, अब बड़ा टिक है, फर्स्ट टाइम छोड़ी वाले टिक्स हैं, ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही, ठीक है, समझ आया, ओ माही ओ माही, यहाँ पर एंड होगा, ठीक है, ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही, अब नेक्स्ट लाइन आती है, मेरी वफा पे मेरी वफा पे हक हुआ तेरा, मेरी वफा पे हक हुआ तेरा, ठीक है, मेरी वफा पे हक हुआ तेरा, ओ माही माही वे, ठीक है, ओ माही माही वे ओ माही माही वे, ठीक है, मेरी वफा पे हक हुआ तेरा, मेरी वफा पे हक हुआ
तेरा, ओ माही माही वे, ओ माही माही वे, ओ माही माही वे, ओ माही माही वे, ओ माही माही वे। ठीक है, तो ये कनेक्ट करने के लिए बीच में ओ माही आ रहा है। ओ माही माही वे, ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा, ये लिंक है। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। तो मैं दोनों लाइंस को एक बार गा रहा हूं, अब ध्यान दीजिए कनेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। तो यहाँ पर इसका मुखड़ा खत्म हो जाता है। अब आता है इसका थोड़ा मुश्किल पार्ट, जो कि है इसका अंतरा। तो जो अंतरे की लाइन है वो क्या है, बातों को बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून इनमें, रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू ना हो जिनमें। ठीक है, तो अब इन छह लाइन्स को हम चेक करते हैं। शुरू होता है बातों को बहने दो, ठीक है, दारारा दारारा ला 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 ला, बातों को बहने दो। अच्छा, दो में ड्रॉप है, बातों को बहने दो, छोटा सा है, वो सुनाई नहीं देगा। आप ध्यान से सुनोगे तो ही आपको सुनाई देगा। बातों को बहने दो, फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम कम है। बातों को बहने दो, बाहों में रहने दो, ठीक है, और थर्ड लाइन हाई जाएगी अगेन। ठीक है, सुकून एकदम जाता है ऊपर। ठीक है, बातों को बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून अगेन। सेम फॉर्मेट में आगे आगे वाली लाइन आती है, रस्ते वो बेगाने, रस्ते वो बेगाने, ये याद रखना कि घुमाना है वो को। ठीक है, रस्ते वो बेगाने नहीं है, रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने। ठीक है, थर्ड अगेन इसमें भी लाइन ऊंची जाएगी, सेम नोट से, कोई अलग नहीं है। ठीक है, रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिन में, और ये लंबा एंड है। ठीक है, तो मैं एक बार छह लाइंस दोबारा गाता हूँ आपके लिए। बातों को बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिन में। ओ थोड़ी उम्र है, अब यहां से गाना ऊपर उठता है, थोड़ी उम्र है प्यार ज्यादा मेरा। अच्छा, प्यार पे विभ्राटो है। ओ थोड़ी उम्र है प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बताए सारा तेरा होगा। तो सारा पे एक हल्का सा टच और ऊपर जाते हैं। ओ थोड़ी उम्र है प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बताए सारा तेरा होगा, मैंने मुझे है तुझको सौंपना। यहाँ पर ये थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है, मैंने मुझे है तुझको सौंपना, ये पार्ट आपको थोड़ा सा पकड़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक बार पीछे से गाते हुए आते। ओ थोड़ी उम्र है प्यार ज्यादा मेरा, प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बताए सारा तेरा होगा, मैंने मुझे है तुझको सपना।
तो अब मैंने मुझे है तुझको सौंपना पे फोकस करेंगे, तो इसको ना थोड़ा सा ट्रिकी है, ये चलती बीट पे ये थोड़े रुके रुके से वोकल्स हैं, तो अगर आप इसको ध्यान नहीं दोगे तो पकड़ नहीं पाओगे। इसका एक क्रैक है कि इनको पार्ट्स में डिवाइड करिए। मैंने मुझे है, मैंने मुझे है तुझको, इतना पहले अलग, मैंने मुझे है तुझको, उसके बाद सौंपना ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। मैंने मुझे है तुझको सौंपना, सौंपना, ये काफी सारे टर्न्स है। मैंने मुझे है तुझको सौंपना, मैं और स्लो कर रहा हूं ताकि आप कैच कर पाओ। मैंने मुझे है तुझको सपना, ठीक है। मैंने मुझे है तुझको सपना, इतने पार्ट को रिपीट करके सुनना, इनसे सॉल्व करो, जब साथ में गाओगे तो कैसा आएगा। मैंने मुझे है तुझको सपना, ओके फिर आहों पे बाहों पे राहों पनाहों पे, आहों पे बाहों पे साहों सलाहों पे, ये ओमाही सेम वही है। आहों पे बाहों पे राहों पनाहों पे, आहों पे बाहों पे साहों सलाहों पे, साहो सलाहों पे, अगेन कनेक्शन जैसा ओमाही में करा था सेम यहाँ पर। आहो पे बाहो पे राहो पनाहो पे, आहो पे बाहो पे साहो सलाहों पे, मेरे शक पे हक हुआ तेरा, मेरे शक पे हक हुआ तेरा, हो माही माही वे। तो यहाँ पर ये वो थोड़ा फास्ट आता है, मेरे शक पे हक हुआ तेरा, हो हो। अच्छा ऐसा एक पार्ट उन्होंने अखियां मिलावंगा में भी लिया है, हो साढ़े कोल बह जा मेरे, सेम चीज है, हो 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 माई माही वे, हो माही माही वे, ठीक है, हो माही माही वे, उमाही उमाही। तो फास्ट गाओगे तो ऐसा लगेगा, स्लो में हो माही माही वे, तो फर्स्ट वाले माही पे थोड़ा एम्फेसिस और देंगे, हो माही माही वे, ठीक है, हो माही माही वे, उमाही उमाही, ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, लो मैं कयामत तक हुआ तेरा, लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। इसको आप फिर आगे खाई पार्ट आता रहता है, लो मैं कयामत तक हुआ तेरा, लो मैं कयामत तक हुआ तेरा, वो चलता रहता है, वो आप करो या ना करो इतना जरूरी नहीं है। मेन जो पार्ट है ये इस गाने का, जो फ्रेम है, जो पूरा मेलेडी है, वो उसी के अंदर है, विद इन दिस। तो यही था इस गाने का ट्यूटोरियल, आई होप यू लर्न समथिंग इन दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर आप लाइक करें, कॉमेंट करें, जो लोग पहली बार आए थे वीडियो में मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाले जो भी गाने हैं उन सबको आप सुन पाए, उनको सीख पाए। ऑलराइट, तो इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।